बाद सबसे आगे सबसे तेज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत का सिरमौर और देवभूमि हिमाचल का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और 12 नवंबर को यहां पर मतदान होना है, जिसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का लगातार यहां पर आगमन हो रहा है। उसी के तहत परमाणु में, जो कि कसौली विधानसभा में है, जो कि कालका का लगता हुआ क्षेत्र है, और वहां पर आज हमारे बहुत ही तपस्वी, कर्मठ और ओजस्वी ऐसे मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। और हमारा सौभाग्य है कि माँ कालका विधानसभा में बसोला एड्रम पर उनका यहाँ पर आगमन हुआ और हमारे कृष्ण लांबा, जो कि हमारे चेयरमैन हैं पिंजौर कालका परिषद के, उसके साथ ही पार्षदगण और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया और उसके साथ काफिले की तरह चल करके परमाणु में, जहाँ पर आज ये भव्य रैली, विजय संकल्प रैली का आयोजन था, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ के प्रत्याशी हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी, जो कि हिमाचल सरकार में मंत्री भी हैं, उनके लिए आज उन्होंने मतदान की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने बहुत जोरदार भाषणों के द्वारा जय श्री राम के नारे के साथ, अयोध्या मंदिर के उद्बोधन के साथ, काशी विश्वनाथ के मंदिर के उद्बोधन के साथ, और उन्होंने विकास की बात पुरजोर तरीके से कही कि भारतीय जनता पार्टी का विकास करेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास ही हिमाचल प्रदेश। पुनः उन्होंने कहा, मैं कई जगह रैलियों में गया हूँ और इसमें कोई दोराय नहीं कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बन रही है और हम कालका विधानसभा, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है हमारा और एक तरह से हमारा एक ही, हमारे रीति रिवाज हैं, संस्कृति एक जैसी है और माँ कालका विद्यमान है यहाँ पर, और हम मिल करके कालका विधानसभा के सभी भाई और बहन और पार्टी के कार्यकर्ता, हमने कसौली विधानसभा में अपना कार्य क्षेत्र हमारे को दिया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर राजीव सैजल जी, जो कि वहाँ के प्रत्याशी हैं कसौली विधानसभा के, और नारायणी क्षेत्र भी हमारे में आता है, हमारे साथ ही लगता हुआ, मल्ला के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, इसी तरह कालका और पिंजौर, जबकि परमाणु मार्केट और सारे क्षेत्र कालका के ही हैं और सभी वहाँ पर हम लगातार लगेंगे और पुनः बहुत जबरदस्त तरीके से डॉक्टर राजीव सैजल जी दोबारा विजयी। धन्यवाद।